हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी नज़्म पढ़ेंगे हम, जिसका उन्वान है परिंदे की फरियाद। इसमें एक वर्ड है कफ़स। कफ़स का मतलब होता है कैद खाना, जेल या सेल इंग्लिश में दूसरा वर्ड है ना। और बस इस या पिंजरा भी कह सकते हैं, तो कैद खाना आप इसको मान के चलिए। तो ये नज़्म जो है बहुत खूबसूरत नज़्म है, काफ़ी मतलब दर्द से भरी हुई है ना। तो पढ़ते हैं इसको, शुरू करते हैं। तो एक परिंदा कुछ यूं कहता है कि आता है याद मुझको गुजरा हुआ ज़माना, वो बाग की बहारें, वो सब का चहचहाना, आज़ादियाँ कहाँ वो अब अपने घोंसले की, अपनी खुशी से आना, अपनी खुशी से जाना। लगती है चोट दिल पर, आता है याद जिस दम, शबनम के आंसुओं पर कलियों का मुस्कुराना, वो प्यारी प्यारी सूरत, वो कामनी सी मूरत, आबाद जिसके दम से था मेरा आशियाना। आती नहीं सदाएं उसकी मेरे कफ़स में, होती मेरी रिहाई ऐ काश मेरे बस में, होती मेरी रिहाई ऐ काश मेरे बस में। क्या बदनसीब हूँ मैं घर को तरस रहा हूँ, क्या बदनसीब हूँ मैं घर को तरस रहा हूँ, साथी तो हैं वतन में मैं कैद में पड़ा हूँ। आई बहार कलियाँ फूलों की हंस रही हैं, मैं इस अंधेरे घर में किस्मत को रो रहा हूँ, इस कैद का इलाही दुखड़ा किसे सुनाऊँ, डर है यहीं कफ़स में मैं गम से मर न जाऊँ। जब से चमन छुटा है ये हाल हो गया है, जब से चमन छुटा है ये हाल हो गया है, दिल गम को खा रहा है, गम दिल को खा रहा है, गाना इसे समझ कर खुश हो न सुनने वाले, गाना इसे समझ कर खुश हो न सुनने वाले, दुखते हुए दिलों की फरियाद ये सदा है, दुखते हुए दिलों की फरियाद ये सदा है। आज़ाद मुझको कर दे ओ कैद करने वाले, आज़ाद मुझको कर दे वो क़ैद करने वाले, मैं बेज़ुबां हूँ क़ैदी तू छोड़ कर दुआ ले। तो दोस्तों, अल्लामा इकबाल साहब की ये नज़्म थी, काफ़ी अच्छी नज़्म है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे, हमारी होगी नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ मुलाकात। तब तक खुश रहें, आबाद रहें। बाय बाय, टेक केयर।